बिहार में बात जब राजनीति की आती है तो कपूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात होती है, लेकिन अगर डॉन, बाहुबलियों और अपराधियों की बात होती है तो बिहार की सियासत अधूरी हो जाती है। शहाबुद्दीन अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी था जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ बढ़ता चला गया और उसने अपने नाम को खुद फैलाया। बिहार के मुकम्मा का नाम आते ही राजनीतिक सरकारी बढ़ जाती है। ये वो इलाका है जहां पिछले 3 दशक से बाहुबलियों का साम्राज्य है। इस इलाके में इसकी शुरुआत बाहुबली विधायक आनंद सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने की थी, जो साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत गए थे। लेकिन इसी मुकम्मा में एक ऐसा भी बाहुबली का जन्म हुआ जिसका नाम है सूरज सिंह। हत्या, लूट, अपहरण सहित 30 संगीन मामले सूरज सिंह पर दर्ज है। अपराध की सीढ़ियां इतनी अच्छी से चढ़ ली थी कि लोग उसके नाम से कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। मुकम्मा के एक छोटे से गांव की गलियां में खेलते कूद से बड़े हुए सूरज के पिता एक बिजनेसमैन सरदार कुलजीत सिंह की दुकान पर नौकरी करते थे और इसी से इनका घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी CRPF में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। उनके पिताजी सोचते थे कि लंबी चौड़ी कद काठी वाला छोटा बेटा भी फौज में जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सूरज की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले गई जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरज सिंह पहले बाहुबली, फिर विधायक और इसके बाद सांसद बने। 80 के दशक में सूरज सिंह छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन 90 के दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें आगे बढ़ाने का क्रेडिट 2 लोगों को जाता है, कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार को। जब दिलीप मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आ गए तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। इसी दौरान सूरज ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था और जिनके यहाँ उसके पिताजी काम करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरज के पिता को बताया और पिताजी ने बाद में अपने बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। सूरज ने मुकम्मा से साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर इंडिपेंडेंट विधायक बन गए। सूरज ने मुकम्मा से साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर इंडिपेंडेंट विधायक बन गए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है फिल्म KGF 3 में। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।